नव न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं आपका सदाबहार दोस्त गजेंद्र चौहान। दोस्तों, अभी तक हमारे द्वारा तमाम तरह के विषयों पे अपनी जो ये परिचर्या ये जारी की गई है और उनके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। हमने जब राज्य में एक घोटाले की आहट आई थी, यूके SSS घोटाला, उसको भी खूब जोर शोर से हमने उसको उठाया था और उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। यद्यपि जो माफिया थे, नकल माफिया, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, या यूं कहिए कि वो सरकार को बदलने या सरकार को चलाने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए उनका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं अभी तक। और जब उनका बिगाड़ नहीं पाए हैं तो जो अन्य लोग संलिप्त हैं इस तरह के तमाम घोटालों में, उनको एक ताकत मिली, एक ऊर्जा मिल रही है कि भाई होना तो कुछ नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 2-4 महीने जेल में रह के आएंगे, उसके बाद फिर बाहर से वो करोड़ों रुपए जो कमा के रखे वो उसका सृजन करेंगे, उससे संपत्ति बनाएंगे। तो आपको ये विदित होगा कि UK SSS घोटाला उजागर होने से पहले वो 2016 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला हुआ था, वो भी हम लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया। हमारे साथियों पे, कुछ लोगों पे देहरादून में FIR तक दर्ज हुई उसके एवज में, लेकिन सरकार ने जांच नहीं की, जो दोषी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, न तब की न आज तक उस फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में कोई कार्रवाई की। दूसरी बात, आज की तिथि में अगर यूँ कहिए कि जो उस घोटालों से जो कर्मचारी निकले हैं, अधिकारी निकले हैं, उनकी तादाद इस समय उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हो गई है। अब अगर जांच भी करेंगे तो उन्हीं लोगों के पास ये जांचें आनी है, मतलब ये कहिए कि जो नकल माफियाओं का तंत्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। फिर भी हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उस पर लिखा है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते की अवधारणा पर चलते हुए आज हम एक नए घोटाले की बात करते हैं जो कि UK SSS घोटाले से भी बड़ा है। इस घोटाले की बात करें हम, जो आउटसोर्स से कर्मचारी रखे जाते हैं और इसमें बड़ी तादाद में बड़े घोटाले हो रहे हैं और इसमें ये स्पष्ट है कि बिना रिश्वत दिए नौकरी नहीं लगने का जो पड़ता है इसमें उत्तराखंड में, वो बहुत चरम पे है। तो लिहाजा हम आउटसोर्स में सब चीज़ें नहीं लेते हैं, केवल हम बात कर रहे हैं PRD की। PRD नाम से तो आप सभी लोग परिचित हैं और PRD के थ्रू इस समय बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटियाँ चल रही हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हर घोटाले के तार पुरोला विधानसभा से जुड़े होते हैं, लेकिन इस घोटाले के तार पुरोला विधानसभा से जुड़े नहीं हैं। अभी तो इस घोटाले के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की गई वो पुरोला विधानसभा से की, और किन्होंने की है? ऐसे कर्मचारी, ऐसे लोग जो जल संस्थान में पिछले 15-20 वर्षों से फीटर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको 8-10 हज़ार रुपये वेतन मिलता है और वो दिन रात करके यहाँ की जनता के जो पानी की समस्याएं हैं, जो यहाँ की जल पानी की लाइनें हैं उनको सुचारू करने में वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। विगत 15-20 वर्षों से दिन रात मेहनत करते हैं और इस तरह से जो पुरोला विधानसभा है, या पुरोला विधानसभा ही नहीं, यमुनोत्री विधानसभा के कुछ पार्ट है, उनमें ये कर्मचारी जल प्रबंधन का कार्य करते हैं। तो इन लोगों ने 2 महीने पहले एक हड़ताल की थी पुरोला में, यहाँ पे बल्कि 3-4 दिन पानी भी नहीं आया, कि उनकी मांग थी कि भाई आप PRD के थ्रू उन लोगों को ला रहे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप उनको ला के बिल्कुल 20,000 तनख्वाह में एकदम से भर्ती कर दे रहे हैं, और हम जो यहाँ पर वर्षों से है हम 8,000 में काम कर रहे हैं, यानी कि जो वो आदमी आएगा PRD के थ्रू नौकरी करने, वो कोई काम नहीं करेगा, उसे हम ट्रेनिंग देंगे, हम उस बतौर ट्रेनर उसे तब जाके 5-6 साल बाद वो सेवा करने लायक होगा, और आप उन लोगों को PRD के रोल पर नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने बड़ा किया, लेकिन बेचारे क्या मरता क्या ना करते, उनको धमकियाँ मिली शायद जो भी मिला, और इस तरह उन्होंने अपना आंदोलन उड्रोल कर लिया। अब उनका आंदोलन जो उड्रोल हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि में देखते हैं कि ये मात्र जल संस्थान नहीं था जहाँ इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं, ये भर्ती किया गया। अब तो क्या हो रहा है, जो ये PRD कोई किसी कानून के तहत ये शायद स्थापित हुआ है, PRD एक्ट कह सकते हैं आप, उसके तहत इसकी स्थापना की गई, और इसमें शायद ही स्पष्ट है कि जो PRD के रोल पे जो जवान लिए जाते, जवान शब्द इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, PRD के जो जवान होते हैं उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के उपरांत
जहाँ जहाँ भी जगह बनती इन लोगों को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन वर्तमान में मैं ये नहीं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो मैं उत्तरकाशी जनपद की बात कर रहा हूँ। वैसे ये पूरे उत्तराखंड में ये घोटाला चल रहा है। PRD के तहत जिन जवानों ने प्रशिक्षण लिया है उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, अपितु कुछ अन्य लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। PRD के रोल पर उनको बकायदा वेतन मिल रहा है, जो 20,000 वेतन मिलता PRD को वो दिया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और मैं उत्तरकाशी जनपद की बात कर रहा हूँ तो ये एक अधिकारी है, कोई बात करते हैं लोग किसी अधिकारी, मेरा उनसे पर्चे नहीं है, तो ये भ्रष्ट व्यक्ति है कोई, इसका ट्रांसफर भी नहीं होता है उत्तरकाशी जनपद से जो ये व्यक्ति है। और ये घोटाले का जो ये घोटाला हो रहा है PRD के थ्रू, इसका जो मेन कड़ी है वो ये व्यक्ति है। और यही नहीं, इस व्यक्ति के आगे जो हमारे क्षेत्र विधायक है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब उनसे पूछो कि भाई जो तीन विधायक आते हैं उत्तरकाशी जनपद के, तीनों ने हाथ खड़े कर दिए इस व्यक्ति के आगे, इतना ताकतवर है कि ये मान के चलो कि ये सरकार बदल सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री तक इसका ट्रांसफर नहीं करता। एक बार इसका ट्रांसफर हुआ भी थोड़े से समय के लिए, लेकिन फिर से उत्तरकाशी जनपद में ही आ गया। हम इस व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं ले रहे भाई, अपने पास खर्चा नहीं है कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन हमारा काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी तरीका हो उस तरीके से आवाज़ बुलंद करना। तो इस व्यक्ति ने PRD के रोल पे इतने बड़े घोटाले कर रखे हैं कि जो लोग ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं PRD के तहत, उनको ये जॉब नहीं देता है। ये अन्य लोगों से स्पष्ट बात, अन्य लोगों को कैसे जॉब दी जा रही है, सीधी सी बात है, घूसखोरी चरम पर है। और उसी घूसखोरी का नतीजा है कि PRD के रोल पे आज तमाम विभागों में लोग भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी PRD प्रशिक्षित जवान नहीं है। तो ये घोटाला बहुत बड़ा है, लिहाजा मुख्यमंत्री धामी को इसका संज्ञान ले उनकी मर्जी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन भाई आपने तो बोला है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा, तो इस भ्रष्टाचार की ओर मुख्यमंत्री जी आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमो नाथ।